सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यार कि ओला S1 X प्लस आपको लेनी चाहिए या फिर ओला S1 X लेनी चाहिए। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि यार दोनों में क्या मेजर डिफरेंस है। बाकी हम बात करेंगे यहाँ पर कि ओला S1 X में जो तीन वेरियंट्स आते हैं, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट वाले, तो उनके बारे में भी आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बाकी ये मेरे साथ अभी ओला S1 X प्लस है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओला S1 X में क्या आपको चीज़ें अच्छी देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इसको कंसिडर करते हैं तो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी जो मेरे साथ अभी हो रही है। तो मैं भी चाहता तो यहाँ पर ओला S1 X लेता, तो यहाँ पर मुझे ये वाली प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करने को नहीं मिलती। तो यार दोनों को हम कंपेयर करने वाले हैं, एंड में आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी यहाँ पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, हमारे को यहाँ पर ओला S1 जो X प्लस है वो 3 किलोवाट वाली वेरिएंट हमें देखने को मिल जाती है। बाकी हमारे को ओला S1 जो हमारी X आती है उसमें 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 4 किलोवाट वाला बैटरी पैक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। मेजर जो डिफरेंस है दोनों गाड़ियों में वो ये है कि उसमें की लगती है, इसमें की नहीं लगती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ पहले कि ओला S1 X प्लस में यहाँ पर की नहीं लगती और उसमें की लग रही है। तो यार उसका एक एडवांटेज ये है कि जैसे ये वाली गाड़ी है, ये चलते चलते बंद हो जाती है, तो यहाँ पर चलते चलते बंद हो जाती है तो इसका प्लग अनप्लग करना पड़ता है बूट में जाके। तो बूट से आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे आप गाड़ी यहाँ पर बंद हो गई ना टोटली, तो यहाँ पर इसकी डिक्की खोलनी पड़ती है, मतलब बूट खोलनी पड़ती है। तो उसका सिस्टम बहुत अजीब है यहाँ पर। और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके साथ ये वाली प्रॉब्लम उस गाड़ी में होती है तो आपको यहाँ पर बूट खोलने में इजीली हो जाएगी, क्योंकि यार चाबी से यहाँ पर बूट खुल जाती है। तो चाबी से बूट खुलेगी तो वाली गाड़ी आपके लिए अच्छी हो जाएगी। इसके बदले मैं आपको बता देता हूँ कि यार यहाँ पर इसके भी कुछ कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि इसमें स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है हमारी गाड़ी और यहाँ पर लॉक अनलॉक हो जाता है और भी सारी चीज़ें आपकी मोबाइल से यहाँ पर हो जाएगी। और यहाँ पर आपको यहाँ पर एक थोड़ा सॉफ्टवेयर बेस्ट यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल जाएगी। बाकी उस गाड़ी में क्या है कि यार आपको मीटर सेम ओला S1 X प्लस जैसे ही देखने को मिलेगा, बटन्स यहाँ पर थोड़ी डिफरेंट देखने को मिलने वाली। तो चलिए सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मीटर आपको कैसा देखने को मिलने वाला है यहाँ पर। तो मीटर आपको सेम ऐसा देखने को मिलने वाला है उस गाड़ी में भी आपको, कि यहाँ पर आपको किलोमीटर्स बताएगा कितने किलोमीटर्स आप चल लिए हैं अभी तक, बैटरी परसेंटेज और बैटरी परसेंटेज के साथ यहाँ पर आपकी रेंज दिखाने वाला है। तो यही कुछ हमारा यहाँ पर मीटर देखने को मिलने वाला है। बाकी गाड़ी का लुक है वो भी यहाँ पर सेम ऐसा ही रहने वाला है, उसमें लुक में भी कुछ यहाँ पर अंतर देखने को नहीं मिलेगा। चार्जिंग यहीं से होगी वो गाड़ी भी। और मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर भी सेम हमें यही देखने को मिल जाती है, डिज़ाइन और प्लेटफॉर्म भी सब सेम है। बाकी अंतर है तो यहाँ पर उसमें एक चाबी लगाने का सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ आप चाबी लगा सकते हैं और चाबी लगा के आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूँ कि यार यहाँ पर जो 2 किलोवाट वाला वेरिएंट है ओला S1 X का, उसको आप मत ही लेना, क्योंकि उसमें बहुत सारी हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगी फ्यूचर में, क्योंकि यार उसकी जो रेंज है वो कम निकल के आएगी बहुत आपको रियल वर्ल्ड रेंज। यहाँ पर कंपनी तो क्लेम कर रही है उसकी रेंज ज़्यादा, पर यहाँ पर कम निकल के आएगी। इस गाड़ी की जो मैं आपको बात बताऊँ तो यार 3 किलोवाट वाला बैटरी पैक है, तो यहाँ पर इको मोड में 120 चल जाती है, मतलब इको मोड में 120, नॉर्मल मोड में करीब ये 80-90 चलने वाली है। तो यार आप अपने हिसाब से देख लेना कि यहाँ पर जो कंपनी जो रेंज बताती है उसके हिसाब से मत चलना, यहाँ पर रियल वर्ल्ड रेंज आपको थोड़ी कम देखने को मिलने वाली है। हेडलाइट की पोजीशन यहाँ पर सेम रहने वाली है आपको इस तरह से। और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर डुअल शॉक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं, कि मोटर जो है हमारी ऐसे देखने को मिल जाती है, और यहाँ पर जो ये मैकेनिज्म है ब्रेक का यहाँ पर हमें दे रखा है। और मैं आपको बता देता हूँ कि बूट जो है वो भी उसकी यहाँ पर सेम देखने को मिल जाती है, मतलब मॉडल टोटली सेम है, बाकी यहाँ पर फीचर्स का अंतर निकल के आ रहा है। मैंने यहाँ पर ये गाड़ी ऑफर प्राइस में बाय करी थी, इसलिए मैंने इसको बाय कर, अदरवाइज मैं यहाँ पर S1 X बाय करता, ये ऑफर प्राइस में थी इसलिए मैंने इसको बाय कर लिया, अदरवाइज मैं यहाँ पर S1 X ही बाय करने वाला था, क्योंकि यार यहाँ पर उसमें की देखने को मिल जाती है, बाकी स्मार्ट फीचर्स हमें देखने को नहीं मिलने वाले। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी गाड़ी चाहिए। बाकी यहाँ पर परफॉर्मेंस में दोनों सेम है। यहाँ पर जो चार्जिंग टाइम है शायद उसका ज़्यादा कुछ निकल के आ रहा है, क्योंकि इसमें तो 750 वाट का चार्जर दे रखा है, बट उसमें 750 वाट का चार्जर नहीं आ रहा है। कंपनी ने इसमें बोल रखा है कि यार इसमें जो चार्जर है वो 500 वाट का ही आएगा, बट मेरे केस में तो यहाँ पर यार 750 वाट का चार्जर निकल के आ गया, तो ये वाली अच्छी बात हो जाती है हमारे लिए। और बाकी हमारे को पूरी गाड़ी ऐसा सेम देखने को मिल जाएगी। और प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूँ तो यार इस गाड़ी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाल रखी है, वो आप जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, मिलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।